जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना हज़रत मिलम्मत फरमाते हैं कि जमाने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना तो जिनका हम खा रहे हैं उन्हीं के फिर गीत हम गा रहे हैं कायनात अर्जी और समावी पर सबसे बड़ा सबसे शानदार सबसे ख़ूबसूरत सबसे ठंडा सबसे अमन वाला जो इनकलाब है वो मेरे नबी पाक ने बरपा फरमाया बड़ी ये कम नसीबी है कि मुसलमानों में फिरके बन गए और उम्मत तकसीम हो गई और तकसीम होने से कमज़ोर हो गई लेकिन अफसोस की बात ये है कि लोग इस बात को समझने से आ रही हैं कि ईद सल्लल्लाहु सल अलैहि वसल्लम तो उम्मत इस बात के शिक्र के तौर पे मनाती है कि अल्लाह ने हमें अपने नबी का गुलाम बनाया आओ मैं तुम्हें मुसलम शरीफ पढ़ के सुनाता हूँ और रावी भी वो बंदा जो हर वक्त हजूर के करीब रहते थे हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह आ फरमाते हैं मुझे वह दिन भूलता ही नहीं मैं भुला सकता ही नहीं जिस दिन मेरे नबी पाक मक्के से हजरत करके मदी तजबा तशरीफ़ लाए हुजूर उस दिन क्या हुआ था तो हज़रत तो तो मालिक फरमाते हैं सारी बीबियाँ छतों पर चढ़ गईं सारी आ औरतें आ औरतें अपने अपने काम में मसरूफ होती हैं कोई किसी वजह से छत पर चढ़ जाए तो चढ़ जाए सारी इकट्ठी तब भी चढ़ती हैं जब गली में कुछ और हो जब कोई अनोखी बात सारी बीबियाँ छतों पर चढ़ गई बच्चे दरख्तों के साथ चिमट गए और फरमाते हैं कि सत्तर के करीब लोग की सवारी के आगे थे और बाकी सैकड़ों की तादाद से सवारी के पीछे थे और फरमाते हैं ये अलग मंजर था और यह मुस्लिम शरीफ में नारा मौजूद है मुस्लिम शरीफ में ये सही मुस्लिम में मौजूद है कि जब हुजूर मदीने आ रहे थे तो मदीने वाले नारा लगाते थे या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह और चलते हुए लगा रहे थे या मुहम्मदा या रसूल अल्लाह का वो नारा लगा रहे थे और फिर हज़रतानसबिन मालिक फरमाते हैं ये दो मंजर ये थे एक तीसरा मंजर भी था मदीना शरीफ के अंदर कुछ कबीले थे आज भी ऐसा होना नहीं चाहिए ये इस्लाम ना सिर्फ इसको नापसंद करता है बल्कि इसकी तरदीद करता है छोटी बरादरी बड़ी बरादरी आज भी तकसीम है नहीं होनी चाहिए अरब के अंदर भी तकसीम थी कुछ कबीलों को छोटा जानते थे कुछ को बड़ा जानते थे एक कबीला था बड़ा कबीला बनु नजार का चौधरीओं का कबीला सेठों नवाबों का कबीला बड़े लोगों का कबीला उस कबीले की बेटियां एक कोने में दफ़ ले बैठ गई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों बात को समझें एक मंतर ये कि औरतें छतों पे आज हम मना करेंगे क्योंकि ये पर्दे की आयतें नाजिल होने से पहले की बात है अब आयतें आ गई अब हम ये इजाज़त नहीं देते औरतें छतों पे चढ़ गईं मर्द गलियों में नारे लगाने लगे और बनू नजार कबीले की बेटियां छोटी बच्चियां छोटी बच्चियां वो एक कोने में दफ़ लेके बैठ गईं और वो पढ़ने लगी ताला बदरू अली अब तो मिलाद गरीबों में रह गया है हमारे यहाँ फैशन हो गया है। जब हालात ख़राब होते हैं तो लोग बरकत के लिए मिलाद कराते हैं और जब अमीर हो जाते हैं फिर उन्हें मिलाद के जायज़ होने की दलील ही कोई नहीं मिलती फिर वो फे, ये फैशन है बंदा थोड़ा सा पढ़ जाए ना दो चार चीज़ें तो हर चीज़ को गलत कहना उसकी जब तबियत होती फिर ये फ़ैशन है कि मेरी सोसाइटी नहीं हो गई किताबें नहीं हो गई फर्नीचर नया हो गया दोस्त नए हो गए तो मज़हब वही पुराना ओए हो कोई तरक्की करनी चाहिए वो तो तरक्की करते हैं बेचारे और जिनकी पीछे दस नस्लें और पचास नस्लें मिलाद मनाती हैं आने की तो इन दलील कोई नहीं मिली सुबह जिनकी दादी वज़ू करके खीर पकाती थी ग्यारहवीं की जब अमीर हो जाते हैं तो उन्हें ग्यारहवीं पकाने की दलील ही नहीं मिलती अब आप अमीर हो गए मेरे भाई आपका फ़ैशन है ये ये तबीयत का हिस्सा है आप चाहते हैं कि मैं वो काम करूं जो दरवेश लोग सादे लोग नहीं करते तुम अपने मामला को बचाने के लिए नारे लगाओ तो तुम्हारे पास सारी दलीलें हैं लेकिन ये तुम्हारा नसीबा है कि तुम झूठों के नारे लगाते हो लेकिन ये गरीबों का नसीबा है कि मिलाद वाले रसूल का नारा लगा ये गरीब का हिस्सा है लेकिन वो बनु नजार की बच्चियां गरीब नहीं अमीर घराने से थी उन्होंने जो बात की उसको हफीज जलंधरी ने लिखा मरहूम कहने लगे कि वो नन्नी बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ थीं कहते वो नन्नी बच्चियाँ वहाँ बैठकर दफ बजाती थी और रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और लोगों से कहती थी कि ये को हमारा पेशा नहीं दफ बजाना हम तो चौधरीओं की बेटियाँ हैं हम तो बड़े ख़ानदान से हैं वो नन्नी बच्चियां जो बैठ कर वहां दफ बजाती थी रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नजार के आली घराने की खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने हमें बड़ी खुशी है आमिना के, के। है आमिना के लाल के खुशी है आमिना के लाल के खुशी है आमिना के लाल के हमें खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ खुशी, खुशी है बस आमिना के लाल के तशरीफ नबी पाक सल्ला वसल्लम से उम्मत का जज्बाती रिश्ता है ये पहले दिन से अबू जाल कब मना करता था किसी मुसलमान को कि खाना कह में नमाज़ ना पढ़ो कदर पढ़ो हज़रत इमन सन्नान भूमि से उसने कहा कि आप अपने तरीक़े के मुताबिक मुसलमानों के तरीक़े के मुताबिक के अंदर नमाज़ पढ़ें जो मर्ज़ी करें रोकते तो वह नबी पाक के करीब जाने से थे वो मंडियों में बैठ जाते थे हजूर के करीब ना जाना हजूर के करीब ना जाना हजूर के करीब ना जाना मेरी बात को आप समझे और हमेशा याद रखें उम्मत का नबी पाक से जज्बाती रिश्ता जज्बाती ये जो रसूलुल्लाह की उम्मत है ये गुनागार हो सकती है पर अपने नबी की गद्दार नहीं होती मैं आपको सही कह रहा हूँ मेरे क्लीन शेव नौजवान के कान में आप जाके कहें नबी पाक तो चाहे उसने नमाज ना पढ़ी हो चाहे उसने दाढ़ी ना रखी हो आप ओर का नाम लें उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसकी तबीयत उसका दिल धक धक करता है उसकी एक एक रू रू से मोहम्मद मोहम्मद की आवाजें निकल ये फैज़ है रसूल पाक का और ये करम है अल्लाह का इस उम्मत के साथ अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब अली पूरी फरमाते एक जगह हिंदुओं का जलसा था हिंदू पंडित तकरीर कर रहा था उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में माज़ अल्लाह को बेद भी कर दी मुसलमान थे ही नहीं एक मुसलमान था वो मलंग नहीं होते दौरी डंडे वाले उसके पर रंगीन डंडा था वो कहीं दूर बैठा था तो उसने सुन ली स्पीकर चल रहा था तो वो डंडा लेके तो स्टेज पे चढ़ आया वो कहता मैंने पंडित के सर में मारा एक ही है, पर मारा जरा सही करके वो ढेर हो गया लोगों ने गिरफ्तार कर लिया जेल में चला गया पीर साहब कहते हैं मैं मिलने गया बंदे को मिस बिल्ला भी सीधी नहीं पढ़नी आती सूरत इखलास भी ठीक नहीं आती उसे रब्बा ना आती ना दुआ नहीं कर सकता मलांग है मैं मिलने गया और मैंने कहा यार ना तू नमाज पढ़े ना दाढ़ी रखे ना तू मस्जिद जाए पर तूने कमाल कर दी कहते हैं, पीर च्छम च्छम रोया। और पंजाबी में कहन लगा गुनागारे नहीं ना ये गुनागार और गद्दार में फर्क होता है मैं गुनागार हूँ पर यह तो नहीं ना किसी की जरूरत कि मेरे सामने मेरे नबी के बारे में बात कर जाए और साकार कर जाए ये बात आप समझे दुश्मन अहमद तिदत कीजिए मुलिदों से क्या मुर्बत कीजिए शिरक ठहरे जिसमें ताजीम रसूल उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए और मिसल फारत जलजले हो नज़द में जिक्र आयात विलादत कीजिए और या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए नबी पाक का प्यार उम्मत के लिए सरमाया हयात है रसूल पाक के साथ उम्मत का वाल रिश्ता है नबी पाक के साथ वाले हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया मक्के वालों ने उस वक्त गुर्बत थी इस्लाम पर मक्के में सारे लोग इकट्ठे हो गए और चौक में फांसी देने लगे हजरत खुबैब को कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल है बंदा जेल में उलझ जाए तो मैंने बड़े बड़े सियाने लोग माफिया मांगते देखे बड़े बड़े लोग कहते देखे हैं कि यह काम बड़ा कैदे तनहाई बजाते खुद एक मुसीबत है आपको अकेला रहना पड़ जाए ना ये लॉकडाउन हुआ है तो लोग नफसियाती मरीज बन गए अकेले रहना तनहा रहना कुछ छोटा काम है हज़रत खुबैब अकेले और मक्के का दौर और चारों जानब काफर और चौक में जब फांसी पे लटकाया जाने लगा तो अबू सुफियान बोले और बोल के कहने लगे यार बंदा कोई काम करके बड़ा पछताता भी है कि यार नतीजा क्या निकला तो अल्लाह आपका भी नतीजा तो फांसी है तो आपका क्या ख्याल है ये आप यकीन करें कि लोग सही सही साथ चलते हैं थोड़ी सी दुश्वारी उठानी पड़ जाए तो कहते हैं मैं गाड़ी ठीक था पर इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है लोग ना मीठा मीठा खाना चाहते हैं थोड़ा कड़वा आ जाए तो मुसीबत बन जाती है कहते हैं सारे फलाने से प्यार करेंगे तो मैं करूंगा सारे मुखालफत भी करेंगे तो हम भी इनशाला प्यार ही करेंगे ये बात हुई कि हम जमाने का रंग देख के चलेंगे अब बाद लोग पछता रहे होते हैं हजरत खुबैब से काबू सफियान ने अभी कलमा नहीं पढ़ते थे कहने लगे तू इस वक्त फांसी पर रहा है और तेरे नबी मदीने में और आराम में और उनके सियाबा आराम में अहल बैत घर में तेरे जहन में अगर इस वक्त यह बात हो कि इस वक्त तेरी जगह पे वो होते माज अल्लाह तो फिर क्या होता मजमा गहरों का इलाका गहरों का ये टाइम आया था अब नारा रशारत लगाने का अब टाइम आया हजरत खुबैब ने नारा रशालत लगाना है पर लगाना किस तरह है कि काफिर याद रखें हजरत खुबैब से कहने लगे अगर तेरी जगह हुजूर होते तो फिर तेरा क्या ख्याल है माज अल्लाह तो हजरत खुबैब कहने लगे तुम अभी भी नहीं समझे ठीक है मैं मक्के में अकेला हूं सारे लोग मदीने में हैं पर मैं पछता नहीं रहा मैं तो फख्र कर रहा हूं मैं फख्र कर रहा हूं इसलिए कि चोरी करके जान नहीं दे रहा मदीने वाले की इज्जत पे जान दे रहा हूँ मैं फख्र कर रहा हूं फरमा शौन तू कहते तेरी जगह हुजूर होते और तुम उन्हें यहां माज अल्लाह फांसी पे लटकाते मैं तो लटका भी पसंद नहीं करता कि मैं घर में बैठा हूं और मेरे नबी को हल्का सा कांटा भी चुभ जाए हमारा अपने नबी से मोहब्बत का रिश्ता है एक कांटा भी के कदम मुबारक में चुभे हमें बर्दाश्त नहीं। मजमा उनका था नारे लग रहे थे हमने मुसलमान पकड़ लिया लेकिन हजरत खुबैब ने अकेले अल्लाह करे आपको मेरी बात की समझ आए अल्लाह करे आपको समझ आए अकेले जब फांसी के तख्ते के करीब नारा लगाया ना कि मैं तो कांटा भी नहीं चुभने दूंगा अपने नबी को अब सारे हार गए अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुरदा कर दिया अब बोल कुछ नहीं सकते थे गर्दने झुक गई और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले से कहने लगा बाकी सारी अप, बातें अपनी जगह पर हैं पर असहा मोहम्मद मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं ना और वो कच्चा रंग ललारी ला वाला जेडा चढ़दा ते लैंदा रहा ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना इसमें कुछ हक वाली बात इस प्यार से काफी डरता है नबी पाक के साथ जज्बाती वस्तगी हुजूर के साथ गुलामों का जज्बाती रिश्ता और नबी पाक अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक् के जज्बात इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीम उल्लुसम ने तो रात की तख्तियों के अंदर एक उम्मत का जिक्र पड़ा कि जो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कर न ले और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा और जब वो कर लेगी तो अल्लाह दस गुना अजर अदा करेगा और वो ऐसी उम्मत होगी कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला ज़मीन सारी पाक फरमा देगा जहाँ नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी ये तस्करे पढ़ के तो हज़रत मूसा कलीम अर्ज करने लगे अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे तो रब करीम ने फरमाया कि मूसा नहीं ये तो मेरे महबूब की उम्मत है मैं, ये तो मेरे नबी पाक की अम्मत हजूर की उम्मत अम्मत अकबर हजरत मूसा मामूली आदमी नहीं वो जलीलो कदर पैगम्बर है जिनका कुरान के हर सिपारे में तस्करा है कहीं वाज तौर पर कहीं इशारतन हर पारे में और हज़रत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करें कोहे तूर कहा ए मूसा ये उम्मत तो मेरे नबी की है तो हज़रत मूसा सलाम आर्ज़ करते हैं इमाम राजी ने लिखा कहते है कहते हैं ए अल्लाह फिर मुझे अपने नबी की उम्मत में शामिल करो ओ यार हमें लोग कहते हैं मिलाद ना मनाओ जिस उम्मत में आने के लिए हज़रत मूसा ने दुआ मांगी जिस महबूब की ग़ुलामी के लिए हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया तो हम हजूर के तजकरे ना करें हम तशक् ना करें हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ना पढ़ें हम हजूर के आने पर जश्न का इजहार ना करें हर वो जायज़ तरीक़ा जिससे इजहार खुशी हो सके वो मिलाद पे करना चाहिए और उसके लिए असबाब बनाने चाहिए उम्मत का एक जज्बाती अंदाज होना चाहिए नबी पाक के साथ एक वारफ्तगी एक क़ एक तबीयत के अंदर विजदान नारा मतलब इस तरह ना हो कि बस चल रहा है काम मैं नहीं हूँ कायल मैं कहता हूँ पहले तो कोई लगाए ना और फिर नारा जब लगता था ना तो मुसलमानों के यहाँ नारा लगता था तो बड़े बड़े लोग कांप जाते थे सूफिया ने लिखा है कि हजरत उम्र ने जब कलमा पढ़ा ना तो उनतालीस बंदे कलमा पढ़ते थे तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी अल्लाह उमर को मुसलमान करके इस्लाम को इज़्ज़त दे हजरत उमर सवेरे आ गए उसमें वो तफसील में नहीं जाता बात लंबी हज़रत उमर जब आए ना उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया हूं तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाह अकबर तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर यानी चालीस लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे नारे लगे हमारे सूफ याद कहते हजरत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो तो नारा तकबीर लगा नारा रिसालत क्यों नहीं लगा तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊंगा मैंने तो अल्लाह अकबर कह दिया उमर आ गया है मेरे नारे लगाता रहेगा वो नारे लगेंगे हजरत उमर ने पहले दिन ही कहा कि हज़ूर आप सच्चे रसूल हैं तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़े शुरू हो गए नारे हजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना हो तो हजूर ने फरमा तेरा क्या रहा दर्ज कि हजूर सारे नहीं एक मैं एक अमीर हमजा एक लाइन के आगे वो लग जाए एक के आगे मैं लग जाऊं और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल चालीस थे पीछे अठारह अठारह उन्नीस उन्नीस बचेंगे एक लाइन में वो हो जाए एक में आगे एक में अमीर हमजा हो एक में मैं हूँ तो देख लेते हैं ये हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते हाँ हाँ देख लेते हैं आए ना मैदान में इधर सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए और गुलाम आने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते फरमाया भी पता चल जाता है ना एक लाइन में हजरत अमीर हमजा हो गए एक में हजरत उमर हो गए पहले ये मारते थे जो आरम शरीफ में मुसलमानों के तरीके पर नमाज पढ़ता था ये जुलूसों की बड़ी बरकत है अंदर बैठे रहे ना चुप करके निकल जाए तो पता कुछ भी नहीं चलता जब निकलते हैं ना लोग कहते हैं जुलूस क्या का माना है तो मैं बताता हूँ ना जुलूस का माना क्या है हजरत उमर ने बाहर निकले दो लाइनों का जुलूस लंबा भी कोई नहीं बंदे भी चालीस और जनाब फ़ारूक आजम बाहर निकले तो उमर का नारा उमर का हजरत उमर ने यूं करके आस्तीने बाजू की चढ़ा ली और अपने गले में जो उनके रुमाल था ना उसको यूं सीने पे बांधा और इस हाथ में तलवार थी तो यूं करके बाहर लहराई कहने लगे ओ मक्के के फिर इधर आओ मेरे सामने जिसने अपनी बीवी बेवा करानी हो जिसने बच्चे यतीम कराने हो वो आए मैदान में मुस्तफा के गुलाम आज सड़कों पर निकल आए आए मैदान में हमारे सामने हमारा मुकाबला करे आए ना मैदान में हम निकले हैं अब हम यहां काबे में एलानिया नमाज पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे ताकत है तो आओ ना हमारा मुकाबला करो आओ कुफर बजाते खुद बहुत बड़ा झूठ है और झूठ के पैर दो बंदे निकले तलवारें लेके आगे आगे तो फिर हजरत उमर ने एलानिया नमाज पढ़वाई खाना काबा तो मेरे भाई रसूल सल्लाम के गुलाम तो जब नारा लगाते थे तो हो ही कमाल जाता था फिर बरेली के इमाम बोले कहने लगे पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे हुजूर क़यामत के दिन आगे आगे ना हमारे आगे आगे, आगे खुशखबरी देंगे कहेंगे तुम फिक्र ना करो आ जाओ मैं तुम्हें बख्शवाता हूँ मैं तुम्हारी सिफारिश आ जाओ पीछे पीछे हुजूर न पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे यकीन करें बरेली के इमाम को भी बड़ा ही रंग आता है बयान करने का कहने लगे आप रोते जाएंगे अल्लाह को मनाना है ना हुजूर ने कहते हैं पेशे हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे आप रोते जाएंगे पर हमको हंसाते जाएंगे बाग जन्नत में मुहम्मद मुस्कुराते जाएंगे फूल रहमत के गिरेंगे हम उठाते जाएंगे और हशर में होगा हमारा दाखला इतान से हम या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए हम या रसूल अल्लाह का नारा इमाम राजी कहते हैं हजू ने एक रुका पकड़ा छोटा सा एक बंदे को लोग दोज़ में लेके जा रहे हैं अच्छा मेरी मुझे एक बात बताओ फैसला पहले हो गया है अल्लाह के सामने हुआ है और फैसला हो गया और तय हो गया कि दोजख में जाना है वो करीब पहुंच गए दोज़ख के तो हज़ूर ने देख लिया और बताया किसने हज़रत आदम ने हज़रत आदम कहने लगे हज़ूर वो आपके गुलाम को दोज़ में ले जा रहे हैं नबी पाक आगे गए क्या पढ़ते हैं हमारे भाई हजूर ने मुझे उनसे छुड़ा के छोड़ दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गएर आओ कहाँ ले के जा रहे हो अल्लाह के सामने फैसला हुआ है ना फरिश्तों ने किया है ना फरिश्ते को किसी से बदयानती तो नहीं ना करते फरिश्तों ने जो किया ठीक किया है ना क्यों लेके जा रहे हो सोने गुनाह ज्यादा है नेकियां थोड़ी थोड़ियाँ फरमाया मेरे सामने तोलो किसी फरिश्ते ने नहीं कहा कि सोने हम आज अम को बेईमान है हमारी कोई इससे जिद चल साडा को बनना साम जाए ये ना भाई मेरा मतलब है सही तोला है फैसला है फरमा दोबारा तोलो गोया रब भी फरमाता है जैसे मेरा महबूब कहता है वैसे ही कहता और कोई नहीं दोबारा तोल लो कोई हर्ज नहीं तो लो ना दोबारा फरिश्ते दोबारा आएंगे उन्होंने दोबारा तोला एक पलड़े में नकियाँ एक पलड़े में गुना अब वो गुनाह फिर ज्यादा निकले तो नबी पाक ने ना जेब से इतना सा रुका निकाला रुके का भी कोई वजन होता है वो हजूर ने नकियों के पलड़े में रख दिया नकियाँ बढ़ गई फरिश्ते भी चुप कर गए चलो भाई जन्नत में मेरी तरह का था ना पता सारा है सरदार ने की थी पता तो था ना उसे मन आनम के मन दानम तो सीधा हुजूर के कदमों से जा लगा कहने लगा सोने मैं तो सारी जिंदगी गुनाह करता रहा ये कौन सी नेकी है तो हुजूर फरमाने लगे चुप कर जन्नत का दरवाज़ा खोल गया तू जा जन्नत में हुजूर रुक के में क्या है फरमाया तूने एक दिन दुरूद और सलाम नहीं पढ़ा था मैंने तेरा संभाल के रखा हुआ तेरा दुरूद शरीफ और नारे रिसालत भी तूने लगाए थे वो तो खोल के मेरे तज करे मैंने तेरा संभाल लिया दो जख्म में मैं तो क्या मेरा साया ना जाए क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाए मेरे रसूल पाक सर और, और मेरी बात सुनो मैं भी आपको खाना नहीं खिलाता लंगर मेरे संगी खिलाते हैं मेरे दोस्त आपको खाना पेश करते हैं हर जगह आप जाते हैं तो वहाँ कुछ लोगों की ड्यूटी होती है लेकिन तिरमिजी शरीफ सियासता की अदीस है हज़रत अंस ने पूछा थाजूर क़यामत में कहाँ मिलेंगे फरमाया हौज़ को सर पे हजूर वहाँ अनश पानी पिलाएंगे कि बिलाल पिलाएंगे कि सुहेब पिलाएँगे फरमाए नहीं उम्मत प्यासी आएगी तो मैं अपने दस्ते मुबारक से पानी पिलाओ हजूर वहाँ ना मिले तो फरमाया पुल सिरात पे आना उम्मत गुजरेगी तो मैं रब सलीम की दुआएँ करूँगा तो अला हजरत फरमाते हैं जब हजूर दुआ खा रहे हैं तो डरने की ज़रूरत क्या है खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद रजा रजाअपुल से वजद करते गुजरी के है रब दुआए मोहम्मद सल्ला हो हजूर तो तो वहाँ मुलाकात ना हुई तो फिर इस हदीस को भी ये हदीस मजबूत कर देगी हजूर फरमाने लगे फिर मैज़ान अमल पर आ जाना उम्मत के अमल तुल तो रहे होंगे और मैं कामयाबी की दुआएँ मांग रहा होंगे तो जिसके लिए हजूर दुआ मांगेंगे नाकाम होगा नाकाम होगा अपने बच्चों को हजूर की मोहब्बत सिखाएं नबी पाक सल वम की गुलामी करें आपका रिश्ता नबी पाक के साथ मजबूत होना चाहिए आपके ताल्लुक गज़ूर के साथ मजबूत होने चाहिए और आपने दाएँ बाएँ नहीं देखना कि प्रापोगंडा क्या है लोग क्या कह रहे हैं लोगों को देख के जो लोग रास्ता बनाते हैं वो पीछे रह जाते हैं आपने ये देखना है कि मेरा हुजूर से नस्बत का ताल्लुक मजबूत है कोई किधर जा रहा है इससे हमें कोई ताल्लुक इस वक़्त आलमी हालात क्या हैं कौमी हालात क्या हैंशी हालात क्या हैं जर्नलिस्ट क्या कह रहे हैं ये फ़लाने के हमें इससे गरज नहीं है हमें तो इतना पता है कि हमने अपने नबी को राज़ी करना है तो इसलिए खूबसूरत महाफिल का जिक्र करें खूबसूरत रूशरी पढ़ें